मानव दुर्व्यापार संबंधी अपराधों की रोकथाम एवं बालक बालिकाओं के गुमशुदा के प्रकरणों में पुलिस की कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाने हेतु इंदौर पुलिस के साथ मिलकर IIM इंदौर द्वारा घर से गुम या गायब हुए बालक बालिकाओं के प्रकरणों में विस्तृत रूप से विश्लेषण कर रिसर्च हेतु एक MOU साइन किया गया था, जिसकी विस्तृत रिपोर्ट पलासिया स्थित कार्यालय के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में IIM इंदौर के निदेशक हिमांशु राय द्वारा प्रस्तुत की गई। IIM इंदौर की टीम ने इस पर विगत 5 वर्ष के डेटा के आधार पर विभिन्न मामलों के 70 से ज्यादा केस को स्टडी किया। इसमें पुलिस के विवेचना अधिकारियों तथा सामाजिक संस्थाओं से मिलकर चर्चा की तथा प्रकरणों के पीड़ित उनके परिजनों से 49 विभिन्न पॉइंट पर इंटरव्यू लिए। इस प्रकार उनकी टीम ने विस्तृत रूप से रिसर्च की किस वर्ग व आयु के बालक बालिका इसमें जा रहे हैं और वह किन क्षेत्रों से हैं तथा इनके घर से जाने या अपहरण के क्या आंतरिक व बाहरी कारण हैं। उक्त रिसर्च के आधार पर उनकी टीम ने पाया कि इस प्रकार के मामलों में लड़कियों की संख्या लगभग 75% है और वह भी अधिकतर 13 से 17 वर्ष के आयु वर्ग की और शहर के आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों की बस्तियों मोहल्लों आदि से हैं तथा इस प्रकार के मामलों के हॉटस्पॉट नगरीय क्षेत्र के 5 थाना क्षेत्रों चंदन नगर, आजाद नगर, द्वारकापुरी, लसुड़िया, भौरकुआ में पाए गए और ये लड़कियां जिनके साथ जा रही हैं या अपहरण करके ले जाए जा रही हैं उनमें भी अधिकतर 18 से 23 वर्ष के युवा निकल कर आए हैं तथा इनमें भी ज्यादातर मामलों में या तो वह इन लड़कियों के परिचित रिश्तेदार अथवा आस पड़ोस के ही निकले। इस रिसर्च में एक तथ्य यह भी निकल कर आया कि इनमें ये बाहर की चकाचौंध नहीं बल्कि इनके घर की आपसी समस्याओं के कारण ही ये उन्होंने ये कदम उठाए। इनमें से 43% लड़कियां दस्तयाब के बाद भी घर वापस जाना नहीं चाहती हैं और वह अपने कदम को गलत भी नहीं मानती। एक 5 जुलाई को जो इंदौर पुलिस के साथ हमारा एक MOU हुआ था कि हम जो मिसिंग चिल्ड्रन हैं, जो माइनर्स हैं, उसके विषय में क्या कर सकते हैं, इसकी हमने एक स्टडी की और इसमें हमने बहुत गहन पिछले जो 5 वर्ष का डेटा है उसका एनालिसिस किया। उसके अलावा 70 से अधिक इंटरव्यू लिए जिसमें लगभग 50 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चनेयर था और उसके माध्यम से जानने की कोशिश की कि आखिर कौन लड़कियां हैं, किस बैकग्राउंड की हैं, किस डेमोग्राफी की हैं जो कि मिसिंग होती हैं और उसके पीछे कारण क्या है और उसके बाद हम उसका निस्तारण कैसे कर सकते हैं। तो जो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आईं वो ये कि जो मैक्सिमम मिसिंग चिल्ड्रन केसेस हैं, सबसे पहले तो 75% उसमें लड़कियां होती हैं और जो 75% लड़कियां होती हैं उसमें 13 से 17 साल की सबसे अधिक होती हैं और कुछ हॉटस्पॉट्स आए जैसे कि इंदौर में हॉटस्पॉट्स आए चंदन नगर, आज़ाद नगर, लसूडिया, द्वारकापुरी और भवरकुआ और इसके बीच में जो हमने एक कॉमन चीज़ पाई वो ये कि इसके आसपास अर्बन स्लम है तो अर्बन स्लम जहाँ जहाँ हैं वहाँ से ये लड़कियाँ मिसिंग होती हैं। लेकिन जो सबसे एक आश्चर्य करने वाली बात आई वो ये कि 43% उन लड़कियों में से वो वापस नहीं जाना चाहता और उसके अलावा लगभग 40% को ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई भी गलत काम नहीं किया है जब उनसे बाद में पूछा जाता है। तो इससे एक चीज़ क्लियर हो गई कि केवल ऐसा नहीं है कि बाहर की चीज़ें आकर्षित करती हैं इसलिए ये लड़कियां जाती हैं या किसी के बहलाने फुसलाने के कारण जाती हैं बल्कि ये भी है कि कभी कभी घर के अंदर प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से भी जा रही हैं।